मुलायम सिंह के गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल बूथ संख्या 266 में अब एक बार फिर से वोटिंग होगी। दरअसल करहल विधानसभा के बूथ से एक वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री और अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग से दोबारा वोटिंग करवाने की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने वायरल वीडियो को देखकर फिर से बूथ संख्या 266 में मतदान करवाने का फैसला किया। बता दें कि 20 फरवरी को मतदान के बाद करहल विधानसभा सीट में शामिल थाना दन्नाहार के गांव जसवंतपुर के बूथ 266 पर एक युवक के द्वारा खुद ही कई महिलाओं के लगातार वोट डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये वीडियो वेबकास्टिंग से लिया गया था। इस पर प्रशासन और करहल के प्रेषक चंद्र कुमार जमातिया ने जांच की। जांच में आरोपों को सही पाया गया। शिकायत सही मिलने के बाद प्रशासन और प्रेषक ने इस बूथ पर दोबारा मतदान कराने की सिफारिश चुनाव आयोग से की। इस पर मंगलवार को आयोग ने पुनर्मतदान कराने का आदेश दे दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण के अंतर्गत मैनपुरी जनपद के 110 करहल विधानसभा क्षेत्र के मध्य स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर में वेबकास्टिंग के माध्यम से कतिपय अनधिकृत व्यक्तियों के वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट पाए जाने के दृष्टिगत रिटर्निंग ऑफिसर की आख्या के आधार पर मध्य स्तर पर पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए। पुनर्मतदान दिनांक 23 फरवरी 2022 प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। करहल विधानसभा क्षेत्र के मध्य स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर, यहाँ पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तत्क्रम में करहल विधानसभा के मध्य स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर कल दिनांक 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। बता दें कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी समेत कई मतदान कर्मियों के खिलाफ थाना दन्नाहार में FIR दर्ज हुई है, जिसकी जाँच जारी है। मैनपुरी के SP अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो ARO की तरफ से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, DM साहब के द्वारा भी इसमें निरीक्षण किया गया था, और जो पोलिंग पर्सनल्स हैं पीठासीन अधिकारी और जो अन्य पोलिंग पर्सनल्स हैं उनके अगेंस्ट चुनाव को इस सूचना को प्रभावित करने के तहत गोपनीयता को भंग करने का अभियोग जो है थाना दन्नाहार में RP एक्ट एवं IPC के तहत पंजीकृत किया गया था, विधिक कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से आदेश आने के बाद फिर से स्कूल में मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। करहल के बूथ संख्या 266 में भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान किया जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।